राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो आज मैं ठाकुर जी की बहुत आसानी से आपको पोशाक धोकर दिखाने वाली हूँ, और इससे आपको दोष भी नहीं लगेगा। इस तरीके से आपको मैं धो के दिखाऊंगी। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने ठाकुर जी की जो पोशाक धो करके सुखा रखी है, वो कैसे किया है मैंने, आगे देखिएगा। तो देखिएगा गाइज, मैंने ना ये दो बैग जो ठाकुर जी की पोशाक के बनाए हुए हैं, और इसमें ही मैं ठाकुर जी की पोशाक जो है रख लेती हूँ। तो सोचा मैंने का जो मैं ठाकुर जी की पोशाक है वो कैसे वॉश करती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं मतलब इन बैगों में ठाकुर जी की पोशाक रखती हूँ ना, तो उनमें से ना सबसे पहले मैं मतलब वो पोशाक निकालूंगी जो मुझे मतलब ठाकुर जी को अभी मैंने फिलहाल में पहनाई है और मुझे नहीं पहनानी है। तो मैं इस बैग में से वो वाली पोशाक इनकी निकाल लूंगी। जैसे कि अभी मैंने आपको मैं दिखाई देती हूँ, तो ये देखिएगा जिस तरीके से ये पोशाक है, इसमें से ना मैं सबसे पहले वो पोशाकें देखूंगी जिसको कि मैंने अभी फिलहाल में जैसे ठाकुर जी को पहनाया है। तो देखिए मैंने ये वाली पोशाक जो है अभी फिलहाल में पहनाई है, तो मैं एक ये वाली निकाल लेती हूँ। और ये वाली भी देखिए, ये वाली भी मैंने ठाकुर जी को अभी पहनाई है, और मैं सोच रही हूँ कि जैसे एकादशी वगैरह आती है तो उसपे मैं ठाकुर जी को पीली ही पोशाक धारण करवाती हूँ। तो कुछ मैंने ये वाली पोशाक निकाली है ठाकुर जी को धोने के लिए, और मैंने ना इन पोशाक को कई बार पहना लिया है, और मैं जो ठाकुर जी की पोशाक है वो इतनी जल्दी से नहीं धोती हूँ। तो मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें आपको बता रखा है कि मैं किस तरीके से जो सर्दियां हैं वॉश कर देती हूँ, लेकिन जो मेरा जो ठाकुर जी का धोने का तरीका है ना वो भी बिल्कुल अलग है। तो ये वाली पोशाक मैं निकाल लेती हूँ, और मतलब जितनी जो थोड़ी सी लाइट कलर की पोशाकें होती है ना वो मैं ठाकुर जी की जल्दी जल्दी धोती रहती हूँ। तो जैसे ये है, ये वाली भी मेरे को धोनी है क्योंकि अभी मैंने ये भी पहनाई है। तो सबसे पहले ना मैं इस दोनों बैगों में से ठाकुर जी की पोशाक निकाल लेती हूँ जो मुझे धोनी है। तो देखिएगा गाइज, मैंने ना ये वाली पोशाक ठाकुर जी की धोने के लिए निकाली है, और ये है मेरे कुंज की बड़े वाले की। तो ये वाली जो मुझे पोशाक है ठाकुर जी की वॉश करनी है, और साथ में देखिए इसके अंदर जो कैप है ना वो भी बंधे हुए हैं, साथ साथ कैप भी धुल जाएंगे। और मैं ना इकट्ठी सारी पोशाकें नहीं धोती हूँ क्योंकि फिर सूखने में परेशानी होती है, और एक भी पोशाक नहीं धोती, मतलब जैसे एक धो के सुखा दी ऐसा भी नहीं करती हूँ। पहले मैं ठाकुर जी को दो तीन बार ये वाली पोशाक पहना लेती हूँ, फिर उसके बाद ना मैं अलग तरीके से धोती हूँ, और इस तरीके से मुझे दोष भी नहीं लगता है। तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना करिएगा, और देखिएगा कि मैं आगे आपको क्या बताऊंगी किस चीज से इनको वॉश करती हूँ, ताकि आपको भी दोष ना लगे और मुझे भी दोष ना लगे। तो देखिए ये वाली जो ठाकुर जी के छोटे मतलब कैप हैं, नेपी हैं, और ये मैंने सारे धोने के लिए निकाले हैं। तो चलिए मैं इनको बताती हूँ आपको मैं किस तरीके से वॉश करती हूँ, और बिल्कुल अलग तरीका है, और आपको अभी किसी ने बताया भी नहीं होगा कि इस तरीके से वॉश ठाकुर जी की पोशाक करते हैं। तो देखिएगा गाइज, मैंने ना ये भगोना लिया है, और मैं इस भगोने में कुछ भी नहीं करती हूँ, मतलब कि ठाकुर जी का ही जो पोशाक है वो ही वॉश करती हूँ। और आपको भी ना बर्तन वो ही लेना है जिसमें आप मतलब घर में काम नहीं करते हैं, बाल्टी वगैरह सब ठाकुर जी की अलग लेनी है। तो आप पहले ये देख लीजिएगा कि कौन सा बर्तन आप ठाकुर जी के लिए ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर भगोने में ना थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया है, और साथ में देखिए मैंने इजी लिया है, और जो ऊनी जो पोशाक होती है ना ठाकुर जी की, मैं कोई साबुन वगैरह ठाकुर जी की अलग नहीं रखती हूँ, मतलब कि साथ के साथ जो मुझे ठाकुर जी की पोशाक वॉश करनी होती है ना, तो मैं तुरंत की तुरंत ही उनको मंगा लेती हूँ। तो देखिए कट कर लेती हूँ गाइज यहाँ से, और कट करने के बाद ना जितना मुझे निकालना होगा उतना ही मैं यहाँ पे निकाल लूंगी। तो मैं ना ठाकुर जी की पोशाक देखिए अलग ही तरीके से, और लास्ट में आपको पता चलेगा कि मैं मुझे दोष क्यों नहीं लगता है और मैं कैसे धो लेती हूँ। तो वैसे जो हमारे पौराणिक शास्त्र हैं, धार्मिक शास्त्र हैं हमारे, उनमें ना भगवान जी के कपड़े धोने वर्जित बताया गया है, लेकिन क्या करें, गोपाल जी तो एक मतलब हम अगर उन्हें अपने बच्चों की तरह सेवा दे रहे हैं और उन्हें अपने बच्चे मान रहे हैं, तो उनके कपड़े जो है वॉश करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने ईजी को इसमें मिला लिया है, और इसके अंदर ना कोई कास्टिक वगैरह भी नहीं है, आप जो है उसको चेक कर सकते हैं उसके पाउच को। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ना मिला लिया है, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ठाकुर जी की पोशाक को मैं वॉश कर लूंगी, क्योंकि
इतनी गंदी तो नहीं होती है, और इजी में तो और भी ज्यादा बिल्कुल साफ और सॉफ्ट पोशाक धुल करके हो जाती है। तो मैं ना सारी पोशाक इस तरीके से पहले थोड़े से, तो गाइज मैं गुनगुना पानी इसलिए ही कर लेती हूँ ताकि मुझे ये भिगो के ना रखनी पड़े और मैं अच्छे से इनको वॉश कर लूँ। तो देखिए मैं ना इनको इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इनका जो है मैल निकल जाएगा और ड्रेसेज जो है खराब भी नहीं होती हैं। तो हल्के हल्के हाथों से आपको धो लेनी है, तो जिस तरीके से मैं धो रही हूँ। और मैंने ज्यादा पोशाक, पता क्या है गाइज, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ना मतलब जैसे साबुन अलग रखते हैं ठाकुर जी की, साबुन की बजाय ना मैं पाउच ज्यादा अच्छा समझती हूँ लेना। तो इस तरीके से मैं ठाकुर जी की जो पोशाक बहुत इजीली वॉश कर लेती हूँ। और लास्ट में आपको बताऊंगी कि लास्ट में ना मैं कैसे वॉश करती हूँ, क्या ऐसा करती हूँ जो इस चीज का दोष मुझे भी नहीं लगेगा और आपको भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं ना ये पोशाकें वॉश कर लेती हूँ, और ये बिल्कुल अलग तरीका है गाइज इस तरीके से ठाकुर जी की पोशाक वॉश करने का। और देखिए, तो जैसे अब सर्दियां हैं, मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई है ना उसमें आपको बहुत आसान सा तरीका बताया है कि आप जो है अगर ठाकुर जी की पोशाक वॉश भी नहीं कर रहे हैं तो आप उनको कितना इजिली तरीके से वॉश कर सकते हैं, और इससे पहले वीडियो में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये धोने के लिए मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जैसे सर्दियां ज्यादा हो रही हैं और इकट्ठी पोशाक मैं कभी भी नहीं ठाकुर जी की इतनी सारी धोती हूँ कि इकट्ठी सारी धो के डाल दी और ठाकुर जी के पास जो है पोशाक नहीं है। पहले मैं उसमें से देख लेती हूँ सारी पोशाकों में से कि कितनी पोशाक मुझे धोनी है, और उतनी ही पोशाक मैं निकाल लेती हूँ। जैसे मैंने अभी लगभग लगभग एक पोशाक 2-3 बार पहना ली है, तो इस तरीके से। तो चलिए पहले ना ये इन वो सारी पोशाकों को मैं वॉश कर लेती हूँ। तो देखिए गाइज, ये जैसे मोती वाली ड्रेस है ना ठाकुर जी की, इनको कभी भी आपको ऐसे करके नहीं धोना है क्योंकि जितने मोती वगैरह है ना ये निकल जाते हैं। सिर्फ आपको इस तरीके से हल्के हल्के से डिप करके इसको आप इस तरीके से धो लीजिए। तो आपको इस तरीके से धोना है, तो इनके जो मोती वगैरह है ना वो भी नहीं उतरेंगे और ड्रेस जो है खराब भी नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं जो ठाकुर जी की हैवी पोशाकें हैं मतलब जिसके अंदर मोती वगैरह लगे हुए हैं ना, वो हल्के हल्के हाथों से, और भाई इजी वॉश कर रहे हैं ना तो आप इस तरीके से, ये तो बिल्कुल साफ हो जाती है हल्के गुनगुने पानी में ही। और इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा गाइज, जो ठाकुर जी की आप पोशाक धो रहे हैं तो वहां मतलब आप बाथरूम वगैरह में मत धोइएगा। तो देखिए मैं भी ना ठाकुर जी की पोशाक किचन में वॉश करती हूँ, किचन को ना पहले बहुत अच्छे से साफ कर लेती हूँ और उसके बाद ही ठाकुर जी की जो है पोशाक मैं किचन के अंदर वॉश करती हूँ। तो आप भी या तो आप किचन के अंदर करिएगा या फिर कोई जगह आप ऐसी देख लीजिएगा जो कि आप मतलब आपको ऐसा लगे कि ये जगह बिल्कुल ठाकुर जी की पोशाक धोने के लिए बिल्कुल सही है। और बाल्टी का ऐसे ही इस्तेमाल करिएगा जो कि बाल्टी नहीं हो, ठाकुर जी की आप अलग रख लीजिएगा, तब ठाकुर जी के आपको पोशाक वॉश करनी हो ना तभी आप जो है अपनी बाल्टी को निकाल लीजिएगा और उसमें ठाकुर जी की ही पोशाक धुलनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से, देखिए गाइस कितनी साफ पोशाक हो गई ना और कहीं से खराब भी नहीं हुई है। तो जो हैवी पोशाक है ना आप इस तरीके से वॉश कर लीजिएगा। तो देखिए गाइस मैंने ना सारे ठाकुर जी की जो है कपड़े वॉश कर लिए हैं और अब इनको निकाल रही हूं मतलब पानी में, और पानी में भी आपको तब तक निकालनी है तब तक कि बिल्कुल पानी साफ ना हो जाए, हल्के हल्के से हाथों से मसल मसल के। तो चलिए सबसे पहले मैं इतना काम कर लेती हूँ, ठाकुर जी की जो है सारी पोशाक को पानी में बहुत अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से ठाकुर जी की जो है पोशाक वॉश कर सकते हैं। तो देखिए गाइस जब सारे कपड़े अच्छे से पानी में निकल जाएं उसके बाद आपको ना भगोने में एक थोड़ा सा पानी ले लेना है, मतलब उतना ही ले लीजिएगा जितने में ठाकुर जी के कपड़े डिप हो सके। और देखिए यहां पर ना मैंने ये क्या लिया है, गंगा जल, और लास्ट में ना मैं गंगा जल पानी में मिला लेती हूँ इस तरीके से। तो देखिए गंगा जल मैं ना बहुत सारी क्वांटिटी में रखती हूँ अपने पास क्योंकि मैं ठाकुर जी की कुछ भी चीज वॉश कर रही हूँ तो वॉश करने के बाद इस तरीके से उनको गंगा जल मिला करके मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी इनको,
तो देखे इससे ना मुझे कोई ठाकुर जी की जो पोशाक धोने का दोष भी नहीं लगेगा। और गंगा मैया तो ना हर चीज का मैल धो देती है। और ये देखिए अगर कुछ मैंने मतलब इसमें जैसे इजी वगैरह में धोए हैं, तो इस तरीके से मैं ना सारी पोशाक को ठाकुर जी की इस तरीके से गंगा जल के पानी में डिप करके रख दूंगी। तो देखिएगा गाइज कितना अच्छा तरीका है ना, और इस तरीके से आपको दोष भी नहीं लगेगा और ठाकुर जी की पोशाक धुल के भी रेडी हो गई है। अब इसमें से मैं निकाल निकाल करके ना अच्छे से ठाकुर जी की पोशाक ना सुखा दूंगी। तो आप मुझे बताइएगा कि ये वाला तरीका आपको ठाकुर जी की पोशाक धोने का कैसा लगा, और सबसे बड़ी बात है दोष भी नहीं लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मुझे प्यारे प्यारे से कॉमेंट करिएगा। तो राधे राधे हरे कृष्णा। और गाइज जो ये पानी है ना गंगा जल वाला, आप इसको किसी भी कच्ची मिट्टी में डाल दीजिएगा, मतलब इसको गंगा जल वाले पानी को आप नाली में ना फेंकिएगा। तो इस तरीके से हो सके तो आप कच्ची मिट्टी में ही डाल दीजिएगा। तो मैं भी इस तरीके से ठाकुर जी का उतना ही पानी मैंने लिया है जितने में डिप हो सकती है, और ये देखिए, और जितना भी पानी बचेगा ना ये सारा मैं कच्ची मिट्टी में डाल दूंगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा।